नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीकी न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन के लाख कोशों के बावजूद भी अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन लूटपाट, चोरी, हत्या और लड़कियों के साथ दुष्कर्म की हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस ऐसे आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनको ना तो कानून का डर है और ऐसे ही लोग दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बड़े बड़े गुंडे, माफिया तो छोड़िए, स्कूलों में पढ़ने वाले कम उम्र के बच्चे भी जघन्य अपराध को अंजाम देकर मासूम लड़कियों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसी के चलते भोपाल में एक आंगनबाड़ी केंद्र में 14 साल की लड़की के साथ चार लड़कों ने मिलकर 9 महीने तक लगातार ऐसा घटिया काम किया, जिसके बारे में जब लड़की के घर वालों को पता चला तो उनके भी होश उड़ गए। मामले के बारे में बताते हुए राती बड़ थाने के टीआई सुदेश तिवारी ने बताया कि घटना का ताल्लुक 2020 से है, लेकिन मामला अब उजागर हुआ है। एक 14 साल की लड़की 9वीं में पढ़ती है। उसने बताया कि 1 अक्टूबर को उसे एक दोस्त आंगनबाड़ी केंद्र में ले गया और यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, लड़के ने जब खुद लड़की के साथ गलत काम कर लिया तो उसने अपने एक और दोस्त को बुलाया। देखते ही देखते उस दोस्त ने भी अपने 2 और दोस्तों को बुला लिया। इसके बाद चारों ने डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उससे मारपीट भी की। हैरानी की बात तो यह है कि कोरोना काल में भी ये चारों लड़की को बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देकर उसको बुला लेते थे और फिर मिलकर उसका रेप करते थे। ऐसा करके ये लोग 14 साल की मासूम के साथ करीब 9 महीने तक लगातार दुष्कर्म करते रहे। इस बीच नाबालिग गर्भवती भी हो गई, लेकिन इसके बाद भी उसे डरा धमका कर उसके साथ ज्यादती की जाती रही। बाद में जब लड़की की तबीयत खराब हुई तो उसके घर वाले उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसके गर्भवती होने के बारे में बताया तो शव के होश उड़ गए। इसके बाद लड़की घर वालों ने बच्चा गिराने का प्रयास किया, लेकिन समय अधिक हो जाने के कारण डॉक्टरों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद मजबूरी में उन्होंने इस बारे में राती भर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की माने तो आरोपी नाबालिग हैं, जिनमें से 3 बच्चे लड़की के ही 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, जबकि 4था आरोपी एक होटल में काम करता है। पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कोर्ट में चालान पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और बच्ची को डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। साथ ही बच्ची की मेडिकल स्थिति को देखते हुए आगे का फैसला लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीकी न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।